हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सॉरी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो इंटरव्यू हुआ है 22 तारीख की डेट में, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है लेन देन मूल्य क्या है। तो लेन देन मूल्य क्या है, मैंने इसका डिटेल में थोड़ा समझाया है, आप लोग एक बार देख लें इसे। और लेन देन मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की वास्तव में भुगतान की गई या देय उस मूल्य को संदर्भित करता है जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित नहीं है और केवल कीमत आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है। तो इसमें कोई भी राशि शामिल हो सकती है और जिसके भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होता है, और लेकिन आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा उसके लिए खर्च वहन किया है। तो ये था लेन देन मूल्य की परिभाषा इसके बारे में। और इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। हाँ, जो लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं, कि मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उन सबके पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर देंगे, और लेकिन आपको उसके लिए कुछ चार्ज देने पड़ेंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट है, और फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वस्तु एवं सेवा कर GST क्या है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है और इसे पिछले चरणों में क्षतिपूर्ति सेट ऑफ हेतु उपलब्ध करके भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्पादक से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, और संक्षेप में केवल मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। ये था GST वस्तु एवं सेवा कर। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे कि GST कब से लागू हुआ है और GST में क्या क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल है, और इन सब के लिए आप मैंने जो पिछला जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है उसके सारे वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये GST भी उठाया गया है, लेकिन मैंने उसमें इतना डिटेल से ये सब नहीं बताया है, लेकिन आप लोग देख लें उसमें भी, और भी चीज़ बहुत सारा है जो कि GST से पूछा गया है, तो एक बार जरूर देखें जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे वीडियो को प्रमोट किया जाता है, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इसके बाद देखिए पूछा गया है मियादी जमा के फ़ायदे क्या हैं। तो मियादी जमा के क्या फ़ायदे हैं, तो इसके तीन चार फायदे हैं मैंने लिया है यहाँ पर। किसी परेशानी के बिना परिपक्वपूर्ण निकासी का विकल्प होता है मियादी जमा में, और आप मूलधन पर 85% तक ऋण ले सकते हैं। इसके बाद 6 महीनों से लेकर 120 महीनों तक विभिन्न जमा अवधियां उपलब्ध हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि मियादी जमा को सावधि जमा भी कहते हैं। और इसके बाद देखिए अगला पूछा गया है, आप इसमें एक और है, इसमें आप 6 महीने में एक बार ब्याज ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो वो कर्मचारियों की विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है। तो कर्मचारियों की विकास संभाव्यता की पहचान किसके जरिए की जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो कार्य मूल्यांकन के जरिए की जाती है। इसके बाद देखिए पूछा गया है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत के लिए कौन सा ईमेल एड्रेस जारी किया है। तो ये देखिए करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और इस समय काफ़ी चर्चित ये चल रहा है। ये ईमेल एड्रेस ncw.me2@gmail.com है, और इसके बारे में देखिए मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पर लिया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत के लिए जारी ईमेल एड्रेस किया है। यह ईमेल एड्रेस ncw.me2@gmail.com है, और इस ईमेल एड्रेस पर महिलाएं कार्यस्थल पर उनके साथ हुए यौन शोषण अथवा अभद्र व्यवहार की शिकायत कर सकती है। ईमेल पर शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगा।
और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, हाल ही में किसने डेटा विश्लेषकी हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये भी करंट अफेयर्स से पूछा गया है क्वेश्चन कि डेटा विश्लेषकी का किसने उद्घाटन किया है। तो 28 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डेटा विश्लेषकी हेतु के उत्कृष्टता केंद्र मतलब कि CEDA का शुभारंभ किया है। और यह केंद्र जो है डेटा चालित प्रशासन के माध्यम से नागरिक सेवा वितरण का सशक्तिकरण करेगा। और केंद्र की स्थापना संयुक्त रूप से नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर NIC और नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI द्वारा की गई है। और इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल देखना है तो मैंने एक लिंक दे दिया है, आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जूनियर स्टैंड में भी पूछा गया है क्वेश्चंस को, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है पूछा गया, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता कोरिया ओपन की एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है करंट अफेयर्स से ही है ये, और विजेता जो है वो कीकी बर्टेंस है, नीदरलैंड्स थी, और ये विजेता आयला टोमलानोविक जो कि ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बाद देखिए पूछा गया है अगला क्वेश्चन, टीम नारी शक्ति पत्रिका के लेखक कौन है? जो इसकी लेखक है लवलीन धर्मानी है, और इसे 20 सितंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुस्तक हिम नारी शक्ति पत्रिका का विमोचन किया है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए साइंस से आपका पूछा गया है क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है। और इसके बाद पूछा गया अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, और इसके ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो घर्षण होता है उत्तरदायी। जो लोग इंटर साइंस सेट से किए हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो इसके बाद देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आज बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपको PDF दे दिया करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा सब अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।